हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीडीपी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जैसे नित नए वीडियो लेकर आता रहता हूं, आज भी एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है होम इंप्रूवमेंट से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करेंगे वीगार्ड VSDI 100 को, जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अनबॉक्स करते हैं वीगार्ड VSDI 100। दोस्तों, ये जो स्टेबलाइजर होता है ये अप टू 900 लीटर रेफ्रिजरेटर के लिए परफेक्ट है। यानी अगर आपके पास इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है जो अप टू 900 लीटर तक है, तो आप इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। या आपके पास डीप फ्रीजर है तो अप टू 600 लीटर के डीप फ्रीजर के लिए आप इस स्टेबलाइजर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्किंग रेंज दिया हुआ है जो है 120 VAC से 280 VAC। इसके अंदर आपको मिलता है HLC कटआउट, यानी हाई लो कटआउट मिलता है। अगर वोल्टेज 120 से नीचे है तो ये स्टेबलाइजर का जो आउटपुट है ऑफ हो जाएगा। अगर 280 से ऊपर है तो इस स्टेबलाइजर का आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये रेंज दे रखा है 120 VAC से 280 VAC के बीच में काम करता है। जो आउटपुट मिलता है वो 200 वोल्ट से 220 वोल्ट के करीब आपको मिलता है। इसके अंदर आपको मिलती है 5 ईयर की वारंटी। अगर आप इसे वीगार्ड के वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपने ऑनलाइन खरीदा है तो इनवॉइस भी उसका काम करेगा। और भी बॉक्स पर मैं दिखा देता हूं। ये देखिएगा, बॉक्स पर यहां पर मेंशन है हाई एंड लो कट ऑफ, HLC कट ऑफ मिलता है इसके अंदर। 3D 7 सेगमेंट डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर। ISO सर्टिफाइड है R&D, ये कुछ यहां पर मेंशन है। यहां पर कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, जहां अगर आपको इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलता है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, टर्न ऑन डिले, टर्न डिले सिस्टम और हाई और लो कट ऑफ वोल्टेज, ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ जो है VSDI 100। एप्लीकेशन है 1 इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अप टू 900 लीटर, डीप फ्रीजर अप टू 4 एम्पियर इसके अंदर आपको करंट मिलता है। इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है, सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज पर ये काम करता है और आउटपुट वोल्टेज आपको मिलती है स्टेबलाइज। तो ये कुछ चीज है जो इस बॉक्स पर मेंशन है इस साइड में। और जैसे मैंने आपको बताया है 3D 7 सेगमेंट LED आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉमोडिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, मॉडल नंबर है VSDI 100, कैपेसिटी 4 एम्पियर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है जून 2024, MRP है 3700, यानी आप इसे डील में ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट 3000 रुपीज में किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट से, चाहे Amazon या Flipkart। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बाई लिंक भी दूंगा, जहां जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। नेट क्वांटिटी 1 है, बाकी यहां पर वीगार्ड का एड्रेस दिया हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस बॉक्स पर मेंशन है। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये मिलता है कार्डबोर्ड बॉक्स, ये मिलती है वारंटी कार्ड। देखिएगा, जैसे मैंने बताया था 5 ईयर्स की इसमें मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर दिया हुआ है VSDI 100, कैपेसिटी 4 एम्पियर है, एप्लीकेशन 1 इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अप टू 900 लीटर और डीप फ्रीजर अप टू 4 एम्पियर, ये कुछ यहाँ पर मेंशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये साइड में प्रोटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है, मुझे इसको पूरा ही निकालना पड़ेगा। बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। ये इसका वायर है, इसकी भी मैं लेंथ देख लेता हूँ कितनी बड़ी है। अगर मैं वायर की लेंथ देखूँ तो अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर इसकी वायर की लेंथ है। और ये देखिएगा, इस तरीके की पैकिंग है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी खास बात पता है मुझे इसमें क्या लगी, कि इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 120 से 280 तक है। तो ये जो आपके प्रोडक्ट है उसको पूरी तरीके से सिक्योर करेगा लो और हाई वोल्टेज के अंडर में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वीगार्ड की मार्किंग दिया हुआ है, यहाँ कुछ एयर वेंट्स दिया हुआ है, पीछे देखिएगा आउटपुट के लिए है, मेंस के लिए है। और अगर हम सामने आते हैं तो सामने आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है वीगार्ड, ये कंगारू बना हुआ है, ये वीगार्ड का लोगो है। और यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है जो है VSDI 100। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलती है 3D 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले और ब्लैक कलर का पैनल है जो बहुत ही ज्यादा इसे यूनिक बनाता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो है वीगार्ड VSDI 100। पीछे देखिएगा, यहाँ पर होल्स दिया हुआ है जो अंदर की जो हीट होगी उसको डेसिपेट करने के लिए सराउंडिंग मीडियम में, तो अगर ये हीटअप होगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है वीगार्ड इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, मॉडल नंबर VSDI 100, कैपेसिटी 4 एम्पियर की है, वर्किंग रेंज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 120 से 280 है, 50 हर्ट्ज पर काम करता है। टाइम डिले है 3 मिनट प्लस माइनस 20 SITDS, यानी अगर लाइट एक बार चली जाती है तो 3 मिनट का इसके अंदर डिले सिस्टम दिया हुआ है, जो आपके इक्विपमेंट है या प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा अंडर सीवियर वोल्टेजेस। तो अगर लाइट बार बार जा रही है तो चिंता मत करिए, इसके अंदर टाइम डिले दिया हुआ है। कैलिब्रेशन एक्यूरेसी प्लस माइनस 2.5% है। एप्लीकेशन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 1 इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अप टू 900 लीटर या डीप फ्रीजर अप टू 4 एम्पियर। और यहाँ पर वीगार्ड इंडस्ट्री कोची का एड्रेस दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो स्टेबलाइजर है वैसे तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे आपका LED टीवी हो, चाहे कोई भी सी इक्विपमेंट हो, म्यूजिक सिस्टम हो, प्ले स्टेशन हो, रेफ्रिजरेटर हो, डीप फ्रीजर हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप
इसको डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में ही यूज करें, क्योंकि इसके अंदर डिले सिस्टम दिया हुआ है जो है 3 मिनट का, और साथ के साथ जो उसकी जो वर्किंग रेंज है वो भी ज्यादा है, जो 120 से 280 तक है। तो ये जो ज्यादा वर्किंग रेंज होती है ना, ये बेनिफिशियल रहती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर के लिए या डीप फ्रीजर के लिए। तो आप इसकी पूरी एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिजाइन देख सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये देखिएगा वी गार्ड VSDI 100, इट इज ऑसम, देख के मजा आ गया भाई। क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और देखिएगा ये सॉकेट है इस चीज को बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाता है, क्योंकि इसके अंदर आप 6 एम्पियर और 16 एम्पियर का प्लग लगा सकते हैं। तो एक बार मैं इसे चला के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से V-Guard VSDI 100 वर्क करता है। चलिए एक बार इसे हम सप्लाई सिस्टम से लगा लेते हैं और इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन पे लगा दिया है, इसे ऑन कर दिया है, और ऑन करते ही आप देखिएगा यहाँ पर जो डिले है वो स्टार्ट हो गया है। जैसे मैंने बताया था जो डिले सिस्टम है वो अप्रोक्सीमेट टाइम रहेगा 3 मिनट का रहेगा। अभी यहाँ पर हमको डिले नहीं मिला है क्योंकि अभी हमने इसे कनेक्ट करा है, और आप देख सकते हैं इनपुट जो दिखा रहा है वो यहाँ पर 239 वोल्ट दिखा रहा है और आउटपुट यहाँ पर 239 वोल्ट ही आ रहा है। तो इस टाइम जो हमको ये वोल्टेज दे रहा है वो अप्रॉक्सिमेट 239 240 वोल्ट के करीब है। और जैसे मैंने आपको बताया था इसका जो वोल्टेज रेंज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप वोल्टेज रेंज ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें 120 से 280 है, तो उतना ज्यादा आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्ट रहेगा अंडर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। दोबारा देखिएगा एक बार, ये आउटपुट है 240 वोल्ट और अगर हम इनपुट देखेंगे तो वो 39 वोल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो 3-digit 7-segment LED डिस्प्ले है कितना ज्यादा इसको यूनिक बनाता है। और दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर सिलेक्ट करें जिसके अंदर डिस्प्ले दिया हुआ हो। विदाउट डिस्प्ले अगर स्टेबलाइजर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको जो वोल्टेज है वो पता नहीं लग पाती कि आउटपुट में कितना आ रहा है। और साथ के साथ अगर आप वोल्टेज देखना चाहते हैं इनपुट में कितना आ रहा है आउटपुट में कितना आ रहा है तो वो भी आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप घर की सप्लाई जो आ रही है वो भी चेक कर सकते हैं, और साथ के साथ ये भी देख सकते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का वो कितना आ रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वाइंडिंग है कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है। तो मैं आपको बता दूं कि जो V-Guard स्टेबलाइजर यूज करता है उसके अंदर जो वाइंडिंग दी गई है वो एल्यूमिनियम वाउंड होती है, कॉपर वाउंड नहीं होता। जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है, चाहे वो V-Guard हो, चाहे वो माइक्रोटेक हो या ल्यूमिनस हो, ये जितने भी इन्वर्टर्स और स्टेबलाइजर बनाती है उसके अंदर जो वाइंडिंग दी गई होती है ट्रांसफार्मर की वो एल्यूमिनियम वाउंड होती है, कॉपर वाउंड नहीं होती। तो बहुत कम ऐसी ब्रांड है जो कॉपर वाउंड स्टेबलाइजर बनाते हैं। अगर आपको कॉपर माउंट स्टेबलाइजर लेना है तो आप सिर्फ ब्लू बर्ड का ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर डाल रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया है कि इसके अंदर आपको मिलती है एल्यूमिनियम वाउंड ट्रांसफार्मर, और अगर आप कॉपर माउंट ट्रांसफार्मर लेते हैं तो वो कॉस्टली बैठता है, अप्रॉक्सिमेट 1000 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर हम आइटम वेट के बारे में बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट वेट है वो अप्रॉक्सिमेट 3 kg 40 ग्राम्स है, और इसका प्रोडक्ट डायमेंशन है वो है 24x27x12 cm। तो वेट के मामले में बहुत ही ज्यादा हैवी है। वर्किंग वोल्टेज ऑलरेडी बता चुका हूं वो है 230 वोल्ट, और जो वोल्टेज है इसका वो है 230 वाट। दोस्तों इसके अंदर आपको ITDS इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम दिया हुआ है जो आपके जो प्रोडक्ट हो इक्विपमेंट हो उसको प्रोटेक्ट करता है अंडर सीवियर वोल्टेज सर्जेस। इसके अंदर जो पूरा सिस्टम है वो माइक्रो कंट्रोल्ड सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल वोल्टेज सप्लाई देता है आउटपुट में। तो अगर हमारे आउटपुट में डिस्टॉर्शन नहीं होगा वोल्टेज के अंदर तो आपके जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। मेरा चूज करने का सबसे बड़ा खास कारण यह भी था कि जो V-Guard है बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। ABS कैबिनेट आप यहां पर देख सकते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, और इसके अंदर आपको मिलती है 5-star रेटिंग, यानी कि कम से कम ये बिजली कंज्यूम करता है और ज्यादा से ज्यादा स्टेबल आउटपुट देता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी V-Guard VSDI 100 की। ये देखिए दोस्तों मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर जो V-Guard का है अपने सैमसंग इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के साथ फिक्स कर दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रेटिंग है वो है 653 लीटर। जैसे मैंने बताया था ये वाला जो V-Guard वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये अप टू 900 लीटर रेफ्रिजरेटर के लिए परफेक्ट है। तो मेरा तो 653 का था और मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है, और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों जैसे मैंने बताया था सिर्फ सुंदरता की वजह से ना सिर्फ मैंने लिया है बल्कि V-Guard का ये परफेक्ट मॉडल है जो है हमारा VSDI 100। गजब का वोल्टेज स्टेबलाइजर है दोस्तों, ना सिर्फ दिखने में सुंदर है बल्कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच है, और बिना किसी परेशानी के रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा ये रहा मेरा V-Guard इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, और ये है मेरा रेफ्रिजरेटर जो रिसेंटली मैंने अभी बाय करा था। इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं।
चलिए चलते हैं वापस स्टूडियो की साइड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसे क्यों सिलेक्ट करें, तो मैं बता दूं, अगर आप एक ऐसा स्टेबलाइजर चाहते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल लगे, तो आप इस तरीके के वी गार्ड VHDI 100 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा स्टेबलाइजर चाहते हैं जिसके अंदर आप इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर सके, तो आप इस तरह के स्टेबलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा स्टेबलाइजर चाहते हैं जो आप डिजिटल इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर के लिए यूज कर सके, तब भी आप इस तरीके के V-Guard VHDI 100 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लग है रेफ्रिजरेटर का या डीप फ्रीजर का वो 6 एम्पियर है, 16 एम्पियर है, तो आप इस तरीके के स्टेबलाइजर को देख सकते हैं जहां पर दोनों तरीके के सॉकेट को दिया हुआ है, चाहे 6 एम्पियर है या 16 एम्पियर है। और सबसे आखिरी बात, एक ऐसा स्टेबलाइजर चाहते हैं जिसकी जो वर्किंग वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा वाइड हो, तो भी आप इस तरीके के स्टेबलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका वर्किंग वोल्टेज रेंज 120 से 280 वोल्ट है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया है V-Guard VHDI 100 वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसा है। आशा करता हूं कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको छोटी सी वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है उन्हें जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।